हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई एकेडमी 123 पर। चलिए आज भी मैं रोज़ाना की तरह एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसके बिहाब पर आप अपना जो भी कैलकुलेशन है या किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, तो बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन दिखाया गया है, इसमें आपसे पावर डिसिपेटेड पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि पावर डिसिपेटेड इन 3 ओम रेजिस्टेंस, है ना, तो वो कैसे करना है आपको, है ना। तो ये वो मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पर जो पावर डिसिपेटेड निकाली जाएगी वो कैसे निकाली जाएगी। देखिए, तो 2 मिनट में आपको इसको कर देता हूँ कि ये जो 3 ओम रेजिस्टेंस है, 3 ओम रेजिस्टेंस में पावर डिसिपेटेड निकालना है। तो आप इसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, है ना। थेवेनिन भी लगा सकते हैं, नॉर्टन लगा सकते हैं, सुपरपोजिशन लगा सकते हैं, है ना। केवीएल केसीएल तो लग ही जाएगा, केवीएल भी लगा सकते हैं दो लूप मानकर। लेकिन मैं सबसे सिंपलेस्ट और इफेक्टिव तरीका बताता हूँ नोडल एनालिसिस का, है ना, जो कि हर बार मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, है ना, मैं हर बार प्रैक्टिस कराता हूँ आपकी, है ना। तो वो नोडल एनालिसिस मैं यहाँ ले सकता हूँ, है ना। उससे क्या करेंगे आप, विद इन द सारे पैरामीटर फाइंड कर लेंगे, इसके करंट, इसके अक्रॉस करंट, इसके अक्रॉस करंट, वोल्टेज, पावर डिसिपेटेड, एवरीथिंग विल बी। चलिए ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात और शेयर करना चाहता हूँ कि इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ और वहाँ पर अभी, है ना, अनअकैडमी चैंपियन लीग चल रही है, तो इसको आप जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। ये एक्चुअल में है क्या, ये ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट है एक टाइप से, जिसमें आपको प्राइज मनी मिलेगी, है ना, और साथ साथ में स्कॉलरशिप टेस्ट भी है एक टाइप से, है ना। और ये 2 लेवल पर हो रहा है, एक तो ग्रुप लेवल पर हो रहा है, एक किसका फिनाले हो रहा है। तो ग्रुप लेवल में कब, 14 और 21 नवंबर को होने वाला है, जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 1 से 2 बजे के बीच में होना है, है ना। जो फिनाले होगा वो 28 नवंबर को होगा, जिसमें 75 क्वेश्चन होगा और 1 से 4 के बीच में होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, अनअकैडमी चैंपियन लीग की जो अगर बात की जाए, तो इसके अंदर रैंक वाइज आपको प्राइज मिलेगी, यानी 1 से 10 तक की है तो 20,000 मिलेगा, 11 से 30 तक है तो 10,000, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। और स्कॉलरशिप अगर 1 से 2 100% स्कॉलरशिप, नहीं तो 50% और कम, और 15% स्कॉलरशिप 200 तक अगर रैंक आपकी आती है तो आपको मिलना है। तो ये ग्रुप लेवल की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप लेवल की। यहाँ पर आप देखेंगे अगर रैंक 1 आपकी आती है तो 1 लाख रुपीज़ आपको मिलते हैं और 100% स्कॉलरशिप। 2 और 3 की बात आती है तो 60,000 मिलेंगे और आपको 100% स्कॉलरशिप। तो ये वाली जो चीज़ें आ रही है, ये अल्टीमेटली आप देख सकते हैं, तो ये पूरी ऑल इंडिया लेवल पर है और ये आपके काम की है। यहाँ पर देखेंगे कि स्पेशल प्राइस रिडक्शन वीक है, इसमें प्राइस क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है आपका, है ना, रिड्यूस हुआ, जिसमें 24 मंथ्स जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें 1 लाख था, अभी कितना हो गया, 81,000 हो गया, और आपको 19,000 की बचत हो गई और 81,000 पे करना है, नहीं तो पहले कितने थे, 1 लाख थे। इसी प्रकार से 18 मंथ्स के लिए अगर बात करेंगे तो 80,000, और अब आपको 64,000+ देना है, बल्कि 15,000+ की बचत हो गई, तो ऐसे ही देख सकते हैं। और अगर प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूँ तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कमी आई है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, है ना। और आपको कोड कौन सा यूज़ करना है इन सब के लिए, शाम, है ना, फिर आ गया भाटिया, फिर क्या आ जाएगा, फिजिक्स, है ना, शाम भाटिया फिजिक्स कोड यूज़ करना है ना। आपको क्या यूज़ करना है, शाम भाटिया फिजिक्स कोड यूज़ करना है, तो मैं श्याम भाटिया फिजिक्स, है ना, ये वाला कोड यूज़ करना है आपका, जिसके बिहार पर आपको जो 10% ऑफ है वो मिल जाएगा, है ना। ये अनलॉकिंग कोड है, ये 10 से 17 नवंबर तक के चलेगा, है ना। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑल, है ना, स्टार्स क्रैश कोर्स जो है, इसके अंदर क्या 11th और जे मेन और एडवांस के लिए है, जो 23 वाले एस्पिरेंट्स से उनके लिए 17 नवंबर से शुरू हो रहा है। बाकी आप लोग भी इसके लिए तैयार हो जाइए, एजुकेटर में, अनअकैडमी के टॉप क्लास के एजुकेटर आपकी मदद करेंगे इसमें, ठीक है। और रैपिड रिवीजन बैच जो है जे मेन और एडवांस के लिए है, 17 नवंबर के लिए, है ना। तो यहाँ आप इसको देख सकते हैं। दूसरी बात आ गई है कि रिवीजन बैच की अगर मैं बात करूँ तो क्लास 11th जे मेन और एडवांस के लिए ये भी 17 आपसे स्टार्ट हो रही है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अपन मुद्दे पर आते हैं, है ना। नोडल एनालिसिस में यहाँ सबसे बेहतरीन समझूंगा, नोडल एनालिसिस का काम क्या है, ये नोड को कंसिडर करता है और इससे सारी चीज़ें एक साथ निकल जाएगी। तो यहाँ पर रेफरेंस नोड अपन ले लेते हैं 0, है ना, रेफरेंस नोड मैंने 0 ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पर ले लिया मैंने 20, है ना, 20 वोल्ट ले लिया। अब यहाँ 0 है तो इसका भी रेफरेंस 0, और ये यहाँ पे 10 आ गया। अब इसको मान लीजिए x मान लीजिए आप, तो यहाँ से क्या करोगे, इसके लिए नोडल एनालिसिस लिखिए, लेट से इसको मैंने बोल दिया a, है ना, तो नोड, है ना, नोडल में तो a, एट नोड a, है ना,
नोड ए पर आपको क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। चलो मैं जगह बना लेता हूँ, है ना, नोड ए। ए पर क्या होगा, ये एक्स माइनस यहाँ कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यस सर, एक्स माइनस 20 अपान में कितना है, 6 है, तो ये आ गया। प्लस क्या करना है, एक्स यहाँ से अपन ने एक्स माना, तो ये एक्स माइनस जीरो, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स माइनस जीरो, है ना, 20 नहीं, एक्स माइनस जीरो। कितना लिखेंगे आप, एक्स माइनस जीरो अपान 4। प्लस कितना हो गया, एक्स माइनस 10, ये एक्स और ये 10 अपान में 3 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करो कितनी आ जाएगी, है ना, 6 4 3, तो ये इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 20, ये तो मैथ्स का सवाल हो गया, फिजिक्स बची नहीं इसमें, है ना। और यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये एक्स बच जाएगा, है ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, 4 आ जाएगा, 3 चौक 12, और ये एक्स माइनस 10 आ जाएगा, है ना। ये एलसीएम लेकर इस टाइप से सॉल्व करते हैं अपन, पूरे का एलसीएम, एलसीएम का मल्टीप्लाई इसमें और जो अपान में उसे डिवाइड करा, तो एलसीएम आया 12 का इधर मल्टीप्लाई, अपान में ये 30, तो 6 6 2 जा 12, और 4 3 जा, है ना, 12, और 3 4 जा 12, बस। तो ये 12 उधर गया जीरो के साथ, तो ये तो जीरो ही हो गया। तो ये कितना हो गया, 2x माइनस 40 प्लस 3x प्लस 4x माइनस 40 इक्वल टू जीरो। 2x 3x और 4x, 4 3 7 7 और 2 9, है ना। और ये कितना आ गया, माइनस 80, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 80/9 वोल्ट, है ना। तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास, x की वैल्यू आपके पास जो आ गई वो ये आ गई। अब आपसे क्या पूछा गया है, 3 ओम रेजिस्टेंस में पावर डिसिपेटेड, तो पावर डिसिपेटेड क्या होती है, आई स्क्वेयर आर होती है सर, है ना, आई स्क्वेयर आर होती है, या वी आई भी होती है ना, या वी स्क्वेयर अपन आर भी होती है ना। तो ये क्या हो सकती है, वी स्क्वेयर अपन आर भी होती है और वी आई भी होती है। अब इन तीनों में से जो सूटेबल फार्मूला लगे वो अप्लाई कर देना। तो वी स्क्वेयर आर ज़्यादा सही रहेगा, यहाँ पर 10 है आपके पास, यस। तो ये जो 10 है, इन दोनों में क्या करेंगे आप, इनका इनसे आपका डिफरेंस निकल जाएगा, यस सर। डिफरेंस कैसे निकलेगा, देखो, तो ये जो आ रहा है ये इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होना चाहिए वो वोल्टेज कौन सा हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा, और आर कितना दिया है, 3 दिया है, तो पावर डिसिपेटेड कितना निकलेगा जल्दी से बताइए। तो ये कितना आ रहा, 80, है ना, अपान बोलिए 9, है ना, ये वी अपान में ये कितना आ गया बोलिए, 10, तो ये तो आया वी, इसको आप क्या बोलोगे, वी स्क्वायर अपान आर, आर कितना है, 3 का स्क्वायर। चलो तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 80 माइनस 90 अपान 9, यस, इस पूरे का ब्रैकेट का स्क्वायर अपान 9, तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बताइए, 10 का स्क्वायर होता है 100, और ये अपान में कितना आ रहा है, 9 का स्क्वायर है ना, 9 का स्क्वायर, और अपान में भी 9 है, तो ये 81 इंटू 9, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 100 अपान 9, और ये 729, है ना। ये वाला कितना आ गया, वाट में आ गया, तो आपके पास पावर कितनी आ जाएगी, पावर आ जाएगी 100 अपान 729 वाट। चलो तो ये तो आ गई पावर, इससे और भी बहुत सारे पैरामीटर को कैलकुलेट किया जा सकता है, है ना, और भी बहुत पैरामीटर को कैलकुलेट किया जा सकता है। और पैरामीटर क्या होगा, देखिए, अब ये इसका वोल्टेज कितना होना चाहिए, ये भी एक्स है, और ये भी इसके बीच का वोल्टेज डिफरेंस, तो ये और इसके बीच का कितना हो जाएगा बताइए, है ना, कलर में चेंज करना चाहूँ तो, है ना, कलर में चेंज करना चाहूँ तो अब ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 20 माइनस x, है ना, इसमें पावर या करंट निकालनी हो तो, है ना, तो ये V निकल जाएगा 20 माइनस कितना आ जाएगा, कितना आया ये 80/9, है ना, तो 80/9 सॉल्व करो तो ये 180, है ना, माइनस 80/9, तो ये कितना आ जाएगा 100/9, तो ये कितना हुआ, ये इसके अक्रॉस हुआ, ये लेट से V1 मैंने बोला, तो ये V1 आ गया, है ना, ये आप ऐसे V1 निकाल सकते हैं। अब ये V1 निकला तो इसमें आप करंट निकाल सकते हैं इजीली, V इक्वल टू IR करके, यस, V कितना आया, 100/9 आया, है ना, यस, 100/9 आया, और IR I निकालना है, तो और R कितना है, 6 है, तो 6 यहाँ लिख दिया मैंने, तो ये 3 और ये 50, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 50/927 एम्पियर करंट आ गई। देखो करंट भी निकाल लिया, वोल्टेज डिफरेंस भी निकाल लिया,
सारी चीज़ें इसमें निकाली जा सकती है। तो ये बहुत मास्टर मेथड है नोडल, बट इसके अलावा भी अगर एडवांस में सीखना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अनअकैडमी पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी सारी चीज़ें और वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे क्लासेस में। तो ऐसी चीज़ें हैं, बाकी और भी इसके बहुत सारे वेरिएशन लिए जा सकते हैं, इसमें करंट, इसमें पावर, है ना, इसमें पावर और इसमें करंट, सारी चीज़ें निकाली जा सकती है और ये अलग अलग तरीके से निकाली जा सकती है, थेवेनिन वगैरह भी लगा सकते हैं, बट अभी ये मैंने इतना ही। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के।